बदलाव करेगा। जहां राम राम नाम होता था वहां जयराम का नाम हो रहा है। ऐसा कैसे? जय राम जय राम जय राम, राम भूल गया। आज हर गांव में जय राम पैदा भे गेलो। आज हर कोई खुले आम बात करे खातिर तैयार हो, ककरो से नहीं डरा। हमारे सामने देख पुलिस से भिड़ंत वाला टपाटप जवाब है, हिंदी में कि इंग्लिश में भी बात होवे लगले। तू बोला इंग्लिश तो बोला कि शट अप, हम बोले यू शट अप मिसकंडक्ट प्लीज रिस्पायरेशन ऑफ द कंजक्शन। आप सब लड़कन के हम देख लिया अपन से मिला मिला के, तोकरे में एगो आ गेलो जय राम। हाँ, उसी लड़कन में आ गेलो एगो जयराम। लाखों लड़कन के बीच एगो जयराम आ गेलो, और जयराम के आचरण विचार सोच हमरा पसंद लगल हो। गाड़ी में भी मेरा टाइगर जयराम महतो का सब कुछ रहता है, उसे बहुत प्यार करते हैं हम। जयराम महतो का बहुत प्यार करते हैं। जयराम महतो जैसे जाएगा ना, जहाँ जाता है ना, सभा सुनते ही लोग लाखों करोड़ों में लोग आ जाते हैं। आज का को दिया, खाली सोशल मीडिया में सुना कि पुलिस प्रशासन अधिक कर रहा है, जनता बोला कि चलो चलते देखते हैं कितना कर ले। अभी हमारी उम्र चलने गलो, अभी हम 22 बरस के। आज जयराम महतो सबको दिल में बस गया है। कौन सा ऐसा जयराम महतो दिया के धूप में हम लोग खड़े हैं, इतना जनता धूप में खड़े, कोई दिया नहीं। लेकिन जयराम महतो कौन ऐसा लैंग्वेज, कौन ऐसा भाषा, कौन ऐसा यूज किया जा रहा है कि आज जयराम महतो के में लोग फिदा है, हम भी फिदा है। आज मेरा 55 साल उम्र है। लेकिन शिबू सरन संघर्ष जरूर किया, लेकिन समय समय आंदोलन को बेचने का काम भी किया। और जयराम महतो आएगा तो कहेगा भैया तुम ये सरकारी जमीन में हो, मकान खाली करो, ये तो सीसीएल रखे, ये तो रैयत को दो, हमारा जमीन है। और वो बना के रंगदारी करेगा। नमस्कार जोहार साथियों, झारखंड के रिगार्डिंग में 1.5 साल से वीडियो दे रहा हूँ। भाषा खतियान 60-40 तमाम चीज दे रहा हूँ, कोई कुछ सुनवाई नहीं। राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए हैं। इधर टाइगर जयराम महतो स्कॉर्पियो पर चल पर कड़ी धूप पर जनसभा पे जनसभा कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तमाम समर्थक लोग टाइगर जयराम महतो झारखंडी लोग पहुंचे हैं डुमरी पे। एक तरफ है राजा साहब यानी राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, और एक तरफ है इधर टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो अभी महामुकाबला की तरह से आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं। एक तरफ उधर कहा जा रहा है कि बंद मैदान में, और एक तरफ है खुले मैदान में। एक तरफ कड़कती धूप में 42-45 डिग्री सेल्सियस के धूप में पसीने में तरबर सभी झारखंडी जयराम महतो को सुन रहे हैं बिना पैसा बिना नाश्ता का। और एक तरफ ऐसे लोग जो कि लोहे के टेंट 1,00,000 करोड़ रुपये की खर्चे किया हुआ नाश्ता पानी के साथ साथ गाड़ी के साथ तेल भाड़ा से लेकर झंडा तक दिया गया है। लेकिन यहाँ जो लोग पहुँचे हैं वो तमाम जगह से पहुँचे हैं, एक विधानसभा या एक लोकसभा से नहीं है, या एक प्रखंड से नहीं है, एक जिला से नहीं है, तमाम जगह से। ये व्यक्ति से मैं आपको परिचित कराता हूँ और इनसे कुछ कुछ जानने का प्रयास करता हूँ, ये राजनीतिक करियर को लेकर और झारखंडियत के लेकर। सबसे पहले जोहार। हाँ जोहार दादा, कहाँ से आए हैं? हम तो आलिए बिशुनगढ़ प्रखंड से, और हमार गांव लगो जोबर पंचायत लगो गांव लगो हमार बनखारो। और हम 1985 से जब हम बोर्ड के एग्जाम नहीं लिखल लियो दादा, तब से हम राजनीति में कूदल लियो टेकलाल महतो जीतबे के खातिर, और वकरा जिताओ लियो, और अब छोटा मोटा अपना प्रैक्टिस के धंधा करो लियो। टेकलाल महतो के एहने चंदा करके दे लियो, जैसे घर घर जाकर चंदा कर लियो। अभी जयराम महतो को आया बलिया में दिए हम लोग पैसा दिए, अभी आके तो अभी भी हजारीबाग में गए। तो गरीब आदमी है तो कहाँ से कले कर पाएगा? तो झारखंडी का कहना है ना, झारखंडी के लिए इसीलिए तो दे रहे हैं, क्योंकि ये जनता का काम करेगा ना। जो जनता से चंदा लेगा मेरे लिए काम करेगा, वो मेरे लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है। जनता नहीं देगा तो क्या देगा? और अभी जो बोले पैकेट का नाश्ता दिया जा रहा है, वो जनता का लूट रहा है। इसलिए जनता कहता है भैया तुम 5 रुपया में पॉकेट में लूट हो, तुमसे हम 5 लाख लूटेंगे, 5,000 लूटेंगे। और इसीलिए ना कहता है, देखिए जनता का काम, जनता का रोड, जनता का बिजली, और आई लोग क्या करता है अपना नाम देता है कि हेमंत सुरार द्वारा। अरे तू उसका बप्पा का रुपया है क्या? सरकार जी ये तो सरकार रुपया है, तो जनता का कहीं नाम देता है कि बनखारा में तमाम जनताओं का रुपया के द्वारा अथी हो गया। इन लोग पहले नियम को चेंज करे, जो इन लोग जीत के जाता है और खर्चा कर लगता है। जयराम महतो जाएंगे तो क्या नियम चेंज करेंगे? एकदम करेंगे। क्या नियम चेंज करेंगे? जयराम महतो वही तो बोले, जयराम महतो 4 चीज बोल रहा है। पहले स्थानीय नीति, जो आज 22-23 साल झारखंड को हो गया है। भाषा तो चेंज करेगा। सबसे भाषा क्या है? भाषा भी झारखंडी भाषा को लागू करेगा। यहाँ तो कर रहा है कि हम लोग को भाषवे को अनुपूत कर दिया है, लुपूत कर दिया है। अब पहला है कि जयराम महतो सत्ता भोजपुरी बोल के बड़का बड़का झारखंडी बोल रहा तू। अरे वो तो बोल तो बोलवे करतो, जबरदस्त थेथरिए तो बोलवे करतो ना। वो थेथर अलग बोलतो, जैसे यो काला हमनी जब चलो नारो ये ना, तो थेथर काला गणियम मेर चाहिए तभी ना तू सरवा उठतो ना। सीनियर को भी रहिए सरा लूट के बैठा लो। अब देखिए आप देखिए अभी देखिए, सबसे पहले मैं हेमंत सरकार को कहता हूँ, अगर आप राजा हैं तो जनता का बोकारो में फुसरो में चंद्रपुरा में सब तो बिहारी भरा है, खटाल है खटाल है, तो बताइए वो जमीन किसका है?
झारखंडियों का बताइए, जब सीसीएल लिया तो बिहारी वहां कैसे मकान बना लिया, पहले उसको सुधार करे। और जयराम महतो आएगा कहेगा भैया तुम ये सरकारी जमीन में हो, मकान खाली करो, या तो सीसीएल रखे या तो रैयत को दो, हमारा जमीन है, और वो बना के रंगदारी करेगा। हाँ जी, सत्ता में नहीं आया जयराम महतो, और आप लोग इतना गर्मी एकदम दाव के साथ एकदम चुनौती दे रहे हैं सरकार, चुनौती इसलिए दे रहे हैं, गुस्सा है उस पर, सरकार पर गुस्सा है कि आपने जब जब जेएमएम आया था तो क्या कहा था, वो तो राजनीतिक करबे नहीं किया हेमंत सरकार, उसका बाप किया था, और क्या किया था, सुदखोर महाजन के विरुद्ध, आज तो वो झारखंड सुदखोर महाजन तो बोल रहा था कि नया लड़का है 25 साल 30 साल का नया लड़का, में उचके नहीं है, तो आप लोग दाढ़ी मोज पकने लगा तो आप लोग भी जागरूक हो गए। अच्छा, नहीं बोल रहा था, अब सुनिए, उम्र से उपलब्धि नहीं आका जाता है देश का, सुनिए, खुद्दीराम बोस 13 साल का नेशनल हीरो बना, क्यों बना, उम्र से उपलब्धि नहीं आका जाता है, खुद्दीराम बोस जिन्होंने देश को आजाद करने में उन्होंने फांसी का लगा, उसका उम्र 13 साल है, हमने किताबों में पढ़ा, देखा नहीं किताबों में पढ़ा, 13 साल का आदमी नेशनल हीरो बना, आज आज हेमंत सोरेन कैन बन रहा है हीरो, नेशनल हीरो, अरे वो तो बना बनाया, मैंने बाप बना थी और बेटा घुस गया, मतलब कि अनुकंपा में, अनुकंपा में, वो तो उसको क्या जाना है, बांधे जाने का पीरक मरा, कुछ संघर्ष नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, वो का संघर्ष किया शिबू सोरेन, शिबू सोरेन संघर्ष किया जयराम महतो, लेकिन शिबू सोरेन संघर्ष जरूर किया, लेकिन समय समय आंदोलन को बेचने का काम भी किया, बेचने का काम किया, जब जीटी रोड में जाम था, जैसे अभी प्रशासन क्या ब्रेकडिंग लगाया था ना, अभी वो डुमरी में मार हुआ पता है आपको, जो जयराम महतो के पास आ रहे थे लोग, हाँ, बोकारो तरफ से आ रहे थे, गोला तरफ से, पेटवार तरफ से लोग आ रहे थे, ऊपर से क्या बोलते हैं कोनार डैम तरफ से, तो वहाँ पे ओवरब्रिज में पार होने नहीं थे, बैरिकेडिंग लगा था, हाँ, तो ये बताइए कितना उसका घटिया नीति है, यदि अगर किसी को जबरदस्ती रोकिएगा ये कोई नियम है, रुकेगा, अरे दिल से बसाइए, जनता को दिल में बसाइए, आज जयराम महतो सबको दिल में बस गया है, कौन सा ऐसा जयराम महतो दिया कि धूप में हम लोग खड़े हैं, इतना जनता धूप में खड़े, कोई दिया नहीं, लेकिन जयराम महतो कौन ऐसा लैंग्वेज, कौन ऐसा भाषा, कौन ऐसा यूज किया जा रहा है कि आज जयराम महतो के में लोग फिदा है, हम भी फिदा है, आज मेरा 55 साल उम्र है, आज राजनीति पूरा फिदा है, हाँ फिदा है, कैसे कैसे जैसे जी वो कर रहा है और लोगों को कह रहा है, क्या क्या चीज अच्छा लगता है इसके बारे में, जयराम महतो का सबसे अच्छा ये लगता है, मास्टर से अच्छा कौन लगता है, मास्टर जब जाता है बच्चा सोग रहता है, कहता है इंग्लिश वाला मास्टर वाला जो है ना गणित वाला बड़ी बढ़िया, जो कहा ये इतना तरीका से सॉलिड से हिसाब बना के दिखा देता है कि इसका हिसाब तुरंत दिमाग घुस जाता है गोदिया में, तो जयराम महतो यही कह रहा है कि बाबू हम ये खतियानी जब ये पार्टी का इतन है, तो जब ये कैसे इतन है, तो सबसे पहले भाषा जो अनुसूचित 8 में खतियान नियोजन नीति स्थानीय नीति विस्थापन नीति, यह तो चार गो झारखंड में ज्वलंत मुद्दा है, अगर यह मुद्दा हेमंत सरकार कर देता तो जयराम महतो आने का जरूरत मतलब नहीं होता, मतलब कि पूरा झारखंड राज्य घोरना घोर चालू कर देते, हाँ एकदम घोरना घोर देते, तकर बाद घोरना घोर देते तो हम यो कहवा है, जैसे नहीं देखो अरे बड़ी घास बढ़ गया बगलो वाला गैया खा ली, तब का जब हमारे घोरनवास खाए ऊपर जीते तब, लेकिन अभी कान के रल तुम हमार जमीन हमार घर और बाहरी नेता और लूट रहा और हम होकर दिन जा रहे थे नेताजी ये रोडवा नहीं दे, आप जनता को नजर हो गया है, अब जनता उससे पूछेगा, और जयराम महतो ही भक्का दिया कि विधायक एमपी को अगर 5,000-10,000 जनता खदेड़ो जब वोट देंगे और नहीं करेगा तो उसको खदेड़ेगा। अच्छा ठीक है, बहुत चीज तो लोग जान रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जयराम महतो अकेले है 81 विधानसभा है, किस तरह से बदलाव होगा जयराम महतो, किस तरह से जयराम महतो जैसे जाएगा ना, जहाँ जाता है ना सभा सुनते ही लोग लाखों करोड़ों में लोग आ जाते हैं, आज का कोई दिया खाली सोशल मीडिया में सुना कि पुलिस प्रशासन ठीक कर रहा है, जनता बोला कि चलो चलते हैं देखते हैं कितना कर ले, आज कायम प्रशासन उसको करे खदेड़े ना, जो करना तो कर की, तो ये सब कुछ नहीं कर सकता, वो खाली गिद्दड़ भभकी कर रहा है प्रशासन, गिद्दड़ भभकी से अब जनता नहीं जानेगा, चूंकि जनता जागरूक हो गया, उस समय था हमारे बाप दादा ठेपा मार जैसे एक, अब ऐसा नहीं रह गया, अब एक एक जनता जानता है कि नेता साहेब, हाँ एक अट्टी हमारे नौजुआ सब लड़का सब बहकल की यासू पार्टी है तो मुर्गा दारू दे दो हम लड़कवन के, अब वह सब लड़कवन समझे लगा दी, अरे दरुआ एक बार मुर्गवा एक बार और करवा, तो ये लड़कवन यू अब समझे लगा दी कि ये आसू पार्टी मुर्गा दारू पार्टी है, अगर साथ अब कोई गुजारा कोई दोस्ती नहीं, तो इसलिए सुदेश महतो 18 तारीख को हजारीबाग ने 16 तारीख को था ना 16 जुलाई को, अब 16 जुलाई को था, इसका सुन के ये सुन करके आसू पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन बनाया कोठरी में किया, अरे तुम इतना कुर्मी बात का नेता है, तुम इतना बड़ा नेता कोठरी में किया था है?
अब पता नहीं आशु पार्टी किया था सुदेश महतो। कहाँ से आए? हम गोविंदपुर प्रखंड से आए। गोविंदपुर प्रखंड से आए राली। जयराम महतो में क्या बदलाव देखते हैं और नेता में? हरी नेता देखिए, ये तो पहले क्रांतिकारी हैं। आज जिस भीड़ को हम देख रहे हैं, ये भीड़ सब लोगों का चाहत है, इसलिए इतना भीड़ है। हम जो गोविंदपुर प्रखंड से आए हैं, जहाँ बलियापुर में सभा हुई थी, उस सभा में जो भीड़ थी, लगभग वैसा ही यहाँ भी है। इस भीड़ का चाहत ये बताता है कि सरकार का नियम और कानून गलत दिशा में चल रहा है। गलत दिशा में चलने के कारण आज यहाँ लोग इतना भीड़ है। आज सरकारी व्यवस्था को देखिए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये झारखंड है, इसमें बहुत सारा स्कूल है, अभी तक स्कूल में बच्चा को किताब नहीं मिला गया है। आप गोविंदपुर प्रखंड यानी धनबाद जिला? धनबाद जिला। ये आगे है हजारीबाग जिला, प्रोग्राम हो रहा है गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला मतलब कि चारों तरफ के लोग आ रहे हैं। चारों तरफ रामगढ़ से भी आए? हाँ, रामगढ़ से। टी शर्ट भी बना लिया है जी? हाँ, जयराम महतो दिया है पैसा कि कोई और? अपना पैसा से बनाया भैया, अपना पैसा से बनाया। अपना पैसा से बनाया? हाँ। गरीब घर का व्यक्ति भी? हाँ, काम छोड़ के आए हैं भैया, काम छोड़ के। अब मतलब ये टेंट हाउस का हम मुंशी है, तो काम छोड़ के आए हैं, काम छोड़ के आए हैं यहाँ देखने के लिए। हाँ, गाड़ी में भी मेरा टाइगर जयराम महतो का सब कुछ रहता है, उसे बहुत प्यार करते हैं हम, जयराम महतो का बहुत प्यार करते हैं। अरे ये लोगों दिल, इन लोगों यहाँ पे तो जेबी केसेस का है, हम यहाँ पे इसको लोगो लगाए हैं ताकि दिल में लगाए हैं, जयराम महतो का हम दिल से चाहते हैं। की बेस लागो इसका देखिए, इसका जो है ना, जो दिमाग है ना, वो दिमाग जो है वो बहुत अच्छा दिमाग बहुत है। अच्छा दिमाग। हाँ, झारखंड के बारे में इतना दिमाग लगाते हैं कि झारखंड को हमको सुधारना है, बस ये दिमाग लगाते हैं कि झारखंड को सुधारना। झारखंड बहुत बिगड़ गया है। ये जो नेता सब है ना, चाहे जो भी पार्टी का है, चाहे कांग्रेस का है, बीजेपी का हो या आरजेडी का, जो भी पार्टी का आदमी है, सब झारखंड को लूट के पूरा बर्बाद कर दिया है। मेरे यहाँ साइडिंग, रेलवे साइडिंग बना के मेरा, हम लोग को कुछ नहीं देता है, टोटल आदमी बाहरी है। हम जानते हैं, अगर कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा रहता है, उसका तोंद निकला रहता है, वो राजनीति का झंडा लेकर हमेशा आदमी लोग को जोड़ते रहता है। लेकिन ये व्यक्ति, हमें ये देख के लगता है कि ये व्यक्ति आज तक राजनीति में कभी करियर में नहीं आए हैं। ये अपने मेहनत और कमाई के बदौलत एक मजदूर की तरह के रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जेबी केसेस से जुड़े हैं। सिर्फ हम सुने कि यहाँ पे हम कल मतलब 9 बजे देखे, ये जो पूजा महतो डाली थी कि कल यहाँ पे प्रोग्राम है, तो फिर ये जो क्या बोलते हैं मोतीलाल महतो बोले कि पुलिस द्वारा मना किया जा रहा है। सब आप लोग मोबाइल में देखते हैं? हम मोबाइल में देखते हैं भैया, दिन रात दिन रात देखते हैं। नहीं, वो सब किसी का नहीं देखते हैं, सिर्फ जयराम महतो का। किसी को नहीं देखते? कभी मेरा परिवार है। हाँ। मेरा परिवार खुद बोलती है कि आप इतना काहे देखते हैं। हम बोले कि हम जहाँ भी जाते हैं जयराम महतो उसका भाषण हम सुनते हैं रात में, दिन में तो काम करते हैं, काम करने के बाद रात में जब आते हैं तो मोबाइल में सिर्फ भाषा में बोलो, सिर्फ खोरठा खोरठा, वही, इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। आरो दादा सब अधिक कहाँ से हैं तो दादा? बस हम मांडू विधानसभा से। ये मांडू विधान बुढ़ाखाप बटे से की? मांडू विधानसभा बिशुनगढ़ प्रखंड। बिशुनगढ़ प्रखंड। जयराम महतो की चीज तोरा बेस लागो छे बुढ़ती काल में? तोर तो अब उम्र चल गेलो, आने वाला तो नाती पोता के समय। अभी हमर उम्र चल ना गेलो, अभी हम यो 22 बरस के। हाँ, अभी 22 बरस के हम बिहार के समय से वोट देते आ लियो। जब बिहार से अलग ना भेलो झारखंड, उस टाइम से हम वोट देले आ लियो। बिहार के समय से हम विधायक बने आ लियो, ठीक है। ओकर बाद झारखंड बनलो, झारखंड में तो देते आ लियो, विधायक जीतेले आ लियो, मुख्यमंत्री बनेते जा रहे, मुख्यमंत्री बनेले जा रहे, विधायक बने लियो। लेकिन अभी तक कोई मुख्यमंत्री के हिम्मत नहीं भले जाके डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात करे झारखंड के बारे। मुख्यमंत्री के हिम्मत नहीं भले जाके बात करे प्रधानमंत्री से। और यहाँ के जो हमार रांची विधानसभा के, रांची मैंने हमारे झारखंड स्टेट से, कोई संसद के हिम्मत ना भले कि हमारे झारखंड के मामला लेकर के और पहुंचे सदन में, यानी दिल्ली में। आज हमारे लड़का जो इतना है, सब लड़कन के हम देख लिए अपन से मिला के, तो ओकरे में एगो आ गेलो जयराम। हाँ, उसी लड़कन में आ गेलो एगो जयराम, लाखों लड़कन के बीच एगो जयराम आ गेलो। और जयराम के आचरण विचार सोच हमरा पसंद लगल हो, इसलिए करके एकर सभा 1.5 साल से
जहाँ भी हो 50-60 साल के तो है 22 साल के जैसे देख हाँ एक देखलक बाद हमारे 22 साल के उम्र हो गलो की लागो जयराम महतो बदलाव करते है जयराम महतो बदलाव करता है जितना हमारे नजू लड़का है सब अपन अपन जगह में स्टैंड हो जीते चाहे जिस रैंक में होवे हाँ जितना पर एजुकेशन हो जितना एजुकेशन है उस कैटेगरिया में ओकर सर्विस ओकर नौकरी एकदम लग जीते लेकिन सबसे पहले नियोजन नीति ये तो पहले बने आप कहाँ से हैं हम डुमरी प्रखंड से हैं की कह चाहे इतना हम यह कह चाह रहे कि झारखंड में जितना भी राजनीतिक पार्टी है सबका मकसद एक है झारखंड को लूटना और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करना और जेबी केसेस का क्या है और जेबी केसेस का उद्देश्य है कि झारखंड के सभी जनता का हक अधिकार मिले इस ये सोच रखती है वो पार्टी और मुख्यमंत्री को मेरा सीधा संदेश है हेमंत सोरेन को राज्य के मुखिया को कि झारखंड सरकार से नम्र निवेदन है हमारी शोषण से रखना हम लोग को होशियारी झारखंड सरकार से नम्र निवेदन है हमारी शोषण से रखना हम लोग को होशियारी क्योंकि बीजेपी और जनता दल के कैंडिडेट हैं गंगा पार के बिहारी इसलिए शोषण हो रही है हमारी यकीन नहीं है तो इतिहास उठाकर देख लीजिए यकीन नहीं है तो इतिहास उठाकर देख लीजिए वन ग्रेड से फोर ग्रेड तक हैं उनके कर्मचारी इसलिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक योजनाओं की हो रही है कालाबाजारी झारखंड अलग होने के 22 साल बाद भी झारखंड के सुदूरवर्ती गांव के लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर है आज भी गांव में सड़क बिजली पानी शिक्षा सिंचाई और रोजगार का घोर अभाव है इसका कारण है जनता के द्वारा सही समय पर सही निर्णय नहीं लेना हम वैसे व्यक्ति के हाथों में अपना बागडोर सौंप देते हैं जो खुद अंगूठा छाप है जिसको अपना अधिकार और कर्तव्य नहीं मालूम है चुनाव आता है तो ये ठग ठेकेदार की गिद्ध दृष्टि लग जाती है और भोली भाली जनता को मुर्गा दारू और पैसा का लालच देकर दिग्भ्रमित करती है लेकिन अब जनता जाग चुकी है जयराम महतो पूरे झारखंड के लोगों को जगा दिया है अब उनका कहना है कि वैसे व्यक्ति को अपना वोट दो अपना बहुमूल्य वोट दो जो शिक्षित हो समझदार हो लोकप्रिय हो न्यायप्रिय हो जिस पर समाज विरोधी आरोप नहीं हो वैसे व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट दीजिए तभी जनता का भलाई होगा झारखंड का भलाई होगा आपने कहा कि भाजपा पार्टी के लिए गंगा पार का हाँ। अगर जेबी केसेस 24 में राजनीतिक में आ रही है हाँ। गंगा पार वाले पार हो जाएंगे कि इधर रह जाएंगे एकदम पार हो जाएंगे कहाँ जाएंगे अब जहाँ से आए वहीं वापस चले जाएंगे क्या बदलाव किस तरह से देख रहे हैं क्षेत्र ये तो भीड़ देख कर साफ पता चल रहा है कि मैंने पैसा दे करके बुलाया हुआ भीड़ नहीं है खुद चल के आया हम खुद चल के आए बोकारो से हमारे साथ 15 साथी थे नहीं हम यही के लेकिन वो आ रहे थे बोकारो से रास्ते में हम मिल गए तो बोला कि भैया हमको टाइगर के प्रोग्राम में जाना है और हम लोग को रास्ता मालूम नहीं हम लोग को साथ में लेकर के चलो हम आए तो ब्रेकेटिंग लगाया था पुलिस फुसरो मोड़ पर तो उधर से वापस कर दिया था हम लोग फिर आए बाजार होते हुए चिरैया मोड़ में वहाँ आने के बाद पुलिस ने रोक दिया और मारपीट किया पूरा हमको भी मारा यहाँ पे अभी हाँ कहाँ दिखाइए हाँ पुलिस मारी आपको हाँ क्यों मारी अब हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग भी प्रोग्राम में जा रहे सीएम का प्रोग्राम है वैसे उनका भी प्रोग्राम है तो हम लोग को डिले क्यों कर रहे हैं हम लोग को जाने दीजिए क्या बोला तो बोला नहीं किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे तो फिर वही बात में बहस होने लगा और फिर लाठी डंडा चल गया तो ये एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आज हमारे बीच शेरे शिवा महतो नहीं है लेकिन उन्होंने हमको कहा था हमारा आजा नातिक रिश्ता हल और कॉलेज में पढ़ो लिए और छात्रावास में अकेले रह लिए वो कहा लल हमारा कि अगर तोरा कहीं मौका मिल तो हम ये दुनिया में ना रहो लेकिन हमारी बात के जनता के बीच राखी है कि झारखंड में बोन तो हो लेकिन गाछ ना हो नदी तो हो लेकिन पानी ना हो औरत हो तो सकल ना हो मर्द हो तो अकल ना हो हमें के लिए अगर माने कि हमरा बताओ तो हमरा कोई तोर चलती इतने बड़ो कॉलेज खोल दिलियो तो पढ़ के बताओ हमें तो लिख लोड़ा पढ़ पत्थर आदमी हम के लिए तोर आपठा भाषा हम ना बुझो यो तो हमरा सही से बताओ बोल कहाँ से बताइयो बोल तोरा जहाँ से समझ में आओ तू हमरा कहलो कि जकरा घरे रह चाहिए वो बेचारी बिहान है बासी भात माड़ भात खाए के रोदे हर तोड़वा काम करो दो चार पैसा कमाए के आओ और मरद और मार पीट के पैसा छीन के दारू पी जाओ और जब पी के सुत जाओ तो जे बाहरी लोग में नाइल हो अखनी तोर मूड़ तर से कोयला सोना चांदी अबरक सब लूट के ले जाओ तो से खातिर जुमे हो जागे को विनोद बिहारी महतो भी दुनिया में ना है लेकिन वो हमरा कल हम तो बुड़बक लोग हलिए कि हमने तो लाठी भाला फरसा के दम पर झारखंड राज्य ले लेबे लेकिन हमने लोग राज नहीं करे पार तो ये खातिर हमने लोग के शिक्षित करे बेतो तो पहले स्कूल कॉलेज खोल तो स्कूल कॉलेज खोल लियो लेकिन ओकरो में कह लियो कि 20 साल लागतो आई 2000 के बात लगो 2022 आ जाए गेलो एगो बेटा पढ़ के निकल हो जयराम जे आज गरज रहो
तो कानूनी भाषा जाने है तो एगो जयराम कई गो बेटा जन्माए के राख दे आज हर गांव में जयराम पैदा भ गेलो आज हर कोई खुले आम बात करे खातिर तैयार हो ककरो से नहीं डरो हमर सामने देख पुलिस से भिड़ंत वाला टपाटप जवाब भेले हिंदी में कि इंग्लिश में भी बात होवे लगले राम के नाम होता तू बोला इंग्लिश तो बोला कि शट अप हम बोले यू शट अप मिसकंडक्ट प्लीज रिस्पायरेशन ऑफ द कंजक्शन आपसे कम पढ़े लिखे आदमी हम लोग नहीं है क्या चेहरा मत देखिए पैसा से डिग्री खरीदा जा सकता है दिमाग को नहीं खरीदा जा सकता आपको लेफ्ट और राइट नहीं मालूम है पुलिस विभाग में आ गए हैं क्या समझ लिए हम लोग को मैंने अनपढ़ गंवार आदमी है क्या वो जमाना गया जो पुलिस देख करके पब्लिक भागती थी अब तो सीधा सीने में लड़ेगी आपके साथ सवाल जवाब हम तेलखारा से आए क्या जयराम महतो के बारे में क्या कहना चाहेंगे जयराम महतो हम लोग के समक्ष में खड़ा है हम लोग के हक के लिए लड़ते हैं हम लोग भी उसके पीछे है साथ साथ में की बोल लेते जयराम जयराम महतो देखिए हम डुमरी प्रखंड से है जयराम महतो के नाम से जानते हैं जयराम राम जयराम जो है हम लोग का एगो कमेटी संगठन का एगो जैसे तो बदलाव करेंगे हाँ बदलाव करेगा जहाँ राम राम नाम होता था वहाँ जयराम का नाम हो रहा है कैसा कैसा जयराम 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 राम भूल गया जय श्री राम भूल गया जयराम जयराम वही नाम आ रहा है पूरा झारखंड के अंदर में तो ये आप देख रहे हैं कि झारखंड के युवाओं में जोश बदलाव को लेकर टाइगर जयराम महतो को आगामी 2024 में चुनाव में मुख्यमंत्री की नजर में आए हुए सब लोग जनता है अब और देख रहे हैं कि करीबन दो घंटा से टाइगर जयराम महतो जनसभा कर रहे हैं लगातार अपडेट देता रहूंगा जय झारखंड जोहार झारखंड।